आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल चिकन भुना मसाला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस रेसिपी को खाने के बाद आपके मुंह में होगा स्वाद का धमाका। जी हाँ, ये रेसिपी खाने में बहुत ही ज्यादा चटपटी है और बहुत ही लजीज है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 600 ग्राम चिकन लिया है और सबसे पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे। इसके बाद एक चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर। अब इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें एक नींबू का रस डालेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हो। अब हम इन सबको अच्छे से मिलाएंगे और कम से कम एक घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज के प्याज। इसको हम फाइनली चॉप कर लेंगे। और चाहिए हमें 3 से 4 टमाटर। इन टमाटर को मैं मिक्सी में डाल के इसकी प्यूरी बना लूंगी। सूखे मसालों में हमें चाहिए 2 से 3 हरी मिर्चें, 5 से 7 काली मिर्च, 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, 2 से 3 इलायची, 1 चम्मच जीरा और 3 से 4 लौंग। अब बात करते हैं हम अपने पाउडर्ड स्पाइसेस की। इसके लिए हमें चाहिए 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और ग्रेवी को गाढ़ा बनाने के लिए 1 चम्मच बेसन और फ्लेवर को बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे 1 चम्मच सौंफ डाल रही हूँ। अब सबसे पहले हम अपने सूखे मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। याद रखिए, आपको इनको जलाना नहीं है, बस इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। और ये देखिए, मैंने इनको ड्राई रोस्ट कर लिया है और अब मैं इनको एक अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब हम गैस पे एक कुकर रखेंगे और इसमें सरसों का तेल डालेंगे और इस तेल को पहले हम जलाएंगे। ये देखिए, अब हमारे सरसों के तेल से अच्छा खासा धुआं निकलने लगा है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तेल थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद हम गैस को ऑन करेंगे और फिर इसमें अपने कटे हुए प्याज को डालेंगे। हम प्याज को यहाँ बहुत अच्छे से पकाएंगे जब तक वो एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। अब देखिए, हमारे प्याज अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें डालेंगे अपने सारे पाउडर्ड स्पाइसेस। इन मसालों को हम बहुत अच्छी तरह से पकाएंगे और अब हम इसमें डालेंगे अपने टमाटर का पेस्ट। हम टमाटर को बहुत अच्छी तरह से पकाएंगे और इसके बाद हम इसमें अपने सूखे मसाले डालेंगे।
अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। और ये देखिए हमारे टमाटर और मसाले कितनी अच्छी तरह से पक चुके हैं, इसमें से तेल अलग हो चुका है। अब हम इसमें अपना मैरिनेटेड चिकन डालेंगे। और इसको हाई फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और ये देखिए हमारा चिकन अच्छे से पकने लगा है। अब हम इसमें एक कप पानी डाल देंगे। अपने कुकर का ढक्कन बंद करके एक सीटी आने तक इसको पकाएंगे। देखिए एक सीटी आने के बाद प्रेशर जब अपने आप ख़त्म हो जाए, तो मैंने इस कुकर के ढक्कन को खोला है और ये देखिए हमारा भुना चिकन ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें थोड़ा थोड़ा जो पानी है हम उसको कम करेंगे, इसलिए हम फ्लेम को हाई कर देंगे और इसको पकाएंगे। और मैं इसमें आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। और इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी। जब आपके चिकन की ग्रेवी एकदम कम हो जाए, तब हम इसमें अपना एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे, वो है एक चम्मच कलौंजी। चलिए हम इसे सर्व करते हैं। और ये देखिए हमारा भुना चिकन ढाबा स्टाइल रेडी है। ये खाने में बहुत ही लजीज है, बहुत ही स्वाद से भरा हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।